हेलो डियरेस्ट चैम्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू यूजीसी नेट अरा 24/7। मैं हूं आपकी इंग्लिश की गाइड प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी। वेलकम टू माय सेशन। ऑफ कोर्स आई मिस यू गाइस डेली वेरी मच, क्योंकि अब हमारा सेशन अल्टरनेटिव हो गया है। जस्ट वन और टू वीक्स यू नो मोर टू गो। उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग अपने सेशंस को वापस जो है रेगुलरली रिज्यूम कर लेंगे। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, अच्छे से हैं, ठीक हैं और होमवर्क सबने कर लिया होगा। तो सबसे पहले क्लास, आपको पता है मैं किस अपने ट्रेडिशन के स्टार्ट करती हूँ, होमवर्क से। सो होमवर्क ज़रा एक बार मैं आप लोगों का चेक कर लूँ एंड उसके बाद हम लोग आज का जो टॉपिक है विच इज़ रेस्टोरेशन एज, उसको करेंगे स्टार्ट। इसी के साथ बहुत से स्टूडेंट्स की मेरे पास आजकल इंक्वायरी आ रही है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। वो मुझसे काफ़ी अलग से पूछ रहे हैं आजकल लोग कि मैम हमें एप्लीकेशन क्यों अलग से एनरोल करनी चाहिए या उसको सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट हमें मिलेगा एप्लीकेशन का। तो वो मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती थी। उससे पहले लेट मी फाइंड माई ओल्ड वीडियो एंड लेट मी फाइंड द होमवर्क। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम एज यूजुअल चलता है यहाँ पे। थैंक यू सो मच भारती, थैंक यू सो मच। हाय गाइस, मैं भी बहुत मिस करती हूँ, मेरा भी मन है वापस आने का। थोड़ा एग्जाम्स आजकल इतने ज़्यादा जल्दबाजी में हो रहे हैं ना, कितने सारे बैचेस शुरू हुए, हमें लगा वी विल हैव मोर टाइम फॉर देम, बट समहाउ सबकी डेट्स रिलीज होती रहीं। इनफैक्ट जो बैचेस सबसे पहले से शुरू हैं वो एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है, और जो बैच सबसे कह सकते हैं मतलब सबसे लेट शुरू हुए थे उनकी डेट्स आ गई हैं। तो ये दिक्कत हो रही है, ये थोड़ा सा एक ना पैनिक कर गए थे स्टूडेंट्स, तो उनको काम करने के लिए हमने ऑफ कोर्स थोड़ा सा पैटर्न जो है उसको चेंज कर दिया था। मैंने आप लोगों को ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी का होमवर्क आप लोगों को दिया था, तो मैं एक बार आप यहाँ लिख देती हूँ मेरे कौन कौन से चैम्स ने अपना होमवर्क किया है। सो वी हैव भारती, स्वीटू, we have Savitri, Shailesh, then we have Meenal, Suraj, Sonam, Sana, Arshish, Komal, मेरे को इतना मजा आता है ना जब स्पेस भर जाती है, मैं देखती हूँ तो सारा होमवर्क आप लोगों ने किया है। राजू, चारुलता, कुसुम, तो इन वाले मेरे सारे के सारे चैंप्स के लिए मैं एक्स्ट्रा 5 स्टार्स देना चाहती हूँ, इनके एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए जो इन्होंने डाले अपने होमवर्क के लिए। मैं आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि ये वो डेली स्टेप्स हैं जो आप लोग टेकअप कर रहे हैं अपने ही सिलेक्शन, अपने ही क्वालिफिकेशन को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। सो आइड्रेस देव, आइड्रेस आपका होमवर्क मुझे नहीं दिखा, मुझे आई एम सॉरी डिडंट सी योर नेम इन दैट लिस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इट वाज हैपनिंग। थैंक यू माव्या, थैंक यू कोमल। हाँ जी, पता नहीं क्यों मुझे आपका होमवर्क नहीं दिखा, कई लोगों के साथ ये दिक्कत आती है तो पता नहीं क्यों आ रही है। एनीवे कोई बात नहीं, चलिए। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो भाई। 11 लोग बैठे हैं, कम से कम 11 लाइक्स तो वीडियो पे होने ही चाहिए। अरे बहुत से मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं मैम बेनिफिट क्या है एप्लीकेशन का। देखिए, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी एग्जाम को आप तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक उसका माइंडसेट आप क्रिएट नहीं कर लेते। आपको उस माइंडसेट के अंदर घुसना पड़ेगा, आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अपने एग्जाम को टैकल करना है, ठीक है। तो चाहे आप दिन में 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो या 7 घंटे, अगर आपका माइंडसेट रेडी नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है, तो जो तैयारी है आपके लिए मुश्किल होने वाली है या फिर क्वालिफिकेशन और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कॉन्स्टेंटली ऐसी न्यूज़, ऐसी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और ऐसे गाइडेंस के अंडर रहना है जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली उस एग्ज़ाम से कनेक्टेड रहें, आपको उसकी वाइटल इंफॉर्मेशंस मिलती रहें। तो हमारी एप्लीकेशन आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। बेसिकली आपको एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म दे रही है हम लोग इस एप्लीकेशन के थ्रू, जहाँ इंडिया के सिर्फ UGC नेट या TGT PGT नहीं,
इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की सारी इंफॉर्मेशन रहती है यहाँ पे. और एक बार अगर आप लोग घुस गए हो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इस दुनिया में, तो एक एग्जाम देने का तो देखो मतलब बनता ही नहीं है. एक एग्जाम्स की तैयारी से कितने एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो है वो हो जाती है. तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखना है ज़रा, कि कोशिश जारी ये रखनी है कि हर एग्ज़ाम की जो जो आते रहें आप उसको एग्ज़ाम्स को देते रहें. नेट है, नेट के बाद हर स्टेट के एग्ज़ाम्स आते हैं, वो सब आपको देते रहना है. तो ये एप्लीकेशन आपको उसका बेनिफिट देगी. दूसरा बेनिफिट है ऑफकोर्स मॉनिटरी. तो इसमें ना आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं. मैंने आप लोग अपना कोड बता रखा है Y542 डिस्काउंट के लिए, याद है? पहली बात तो वेबसाइट पे उसका 77% डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे 78% मिलता है. तो एक बेनिफिट तो हो गया. दूसरा बेनिफिट, अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू कोई परचेज करते हो आपको एक्स्ट्रा कॉइन्स मिल जाते हैं. एक्स्ट्रा कॉइन्स से आपको फर्दर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा. तो अगर आपको भी लगता है कि पैसे इंपॉर्टेंट हैं, पैसे सेव करना इंपॉर्टेंट है, या आपको डिस्काउंट पे चीज़ें लेना जो हर किसी को पसंद होनी चाहिए, पैसे बचाने चाहिए, राइट? सो ये मनी सेविंग ऑप्शन भी बहुत अच्छा है आपके लिए. तो ऐप सब लोगों ने जो है डाउनलोडेड रखनी है. अगर आप मेरे से क्लासेस ले रहे हैं मेरे पेड बैच में, तो वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस भी उतना मज़ेदार नहीं मिलेगा आपको जितना आपको हमारी एप्लीकेशन का मिलेगा. और पहले तो सिर्फ ये एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए ही था, प्ले स्टोर पे था. अब तो हमने इसको एप्पल फ़ोन्स के लिए भी लॉन्च कर दिया है. iOS पे भी ये आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है. तो इसका बेहतरीन फ़ायदा जो है आपने उठाना है. एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हुई है तो फटाफट से अब आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ जी मैम, आप मुझे एक टॉपिक क्लियर कर दीजिए प्लीज़. कौन सा वर्क कोमल, मुझे सॉरी समझ नहीं आ रहा कौन सा वर्क मैम. वैसे सारे राइटर्स के कोड और वर्क थीम इंपॉर्टेंट होते हैं. सो कोमल का क्वेश्चन है, सारे वर्क्स के थीम और ये इंपॉर्टेंट होते हैं? देखो सब वर्क्स के नहीं होते हैं. घूम फिर के लिटरेचर है ऑफकोर्स, किसी भी चीज़ का, किसी भी लिटरेरी वर्क की बॉडी पढ़ना ज़रूरी होता है. पर क्या सभी राइटर्स की सभी पोएम्स पढ़नी होती हैं? नहीं. ये तो वही बात हो गई. ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये प्रिसाइसली मेरी स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है. सवाल ये है हमारे पास, आप ये सवाल पूछ रहे हो कि क्या भाई सब कुछ पढ़ना जरूरी है? देखो लिटरेचर में एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन, यूजीसी नेट में एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन आता है. और ये बात सच है, जो इंसान सब कुछ पढ़ लेगा उसको सब कुछ पता चल जाएगा और फिर वो पेपर क्वालिफाई कर लेगा. लेकिन आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड स्टेटमेंट, दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट. पहली बात तो आप जितने आपके सिलेबस में अनगिनत इंग्लिश राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स हैं, क्या आप मुझे प्रैक्टिकली खुद कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप सबके राइटर्स के सारे वर्क्स की समरीज लर्न कर सकते हो? क्या आप सबके कोटेशंस लर्न कर सकते हो? क्या आप सभी राइटर्स की सारी लाइनें लर्न कर सकते हो? इसका मतलब आपका ब्रेन ह्यूमन ब्रेन नहीं है, सुपर ब्रेन है. एंड प्रॉबेबली आपका नाम फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए इतनी सारी सुपरसोनिक मेमोरी के लिए, ठीक है? तो ये जो बात है ना, ये एक बहुत ही इम्प्रॉबेबल सी बात है. घूम फिर के बात यही आती है कि लिटरेचर क्योंकि इतना वास्ट है एंड विदाउट रेंज का, विदाउट एक बाउंड्री का हमारा सिलेबस है, तो वो बाउंड्री क्रिएट करना ही हमारा काम है. लिटरेचर का कोई भी टीचर आप जिसके पास भी जाओगे, वो अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपके लिए वो बाउंड्री ही तो क्रिएट करता है. अब फर्क इतना सा है कि जो सक्सेसफुल टीचर है, जिसके रिजल्ट निकलते हैं, जिसकी तैयारी से लोगों का सिलेक्शन होता है, उसका एस्टिमेट थोड़ा दूसरों से बेटर है, दूसरों का उससे थोड़ा कम है. तो आपको अगर सब कुछ ही पढ़ना है, सारी लाइनें पढ़नी है, सारी कोटेशंस पढ़नी है, तो मेरे पास अब क्या करने आए हैं, है ना? मेरे पास अब क्यों आए हैं? मेरे पास गाइडेंस के लिए आए हैं ना. तो मेरी गाइडेंस या किसी भी टीचर की गाइडेंस आपको बहुत स्पेसिफिक चीज़ें ही कराएंगी, ठीक है? मैथ्स का कोई अच्छा टीचर है, वो अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स बताता है कि भाई ये लंबी कैलकुलेशन होगा तो तुम्हें शॉर्टकट ले लो, इससे प्रैक्टिस करो, इससे जो है तुम बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. तो इंग्लिश के टीचर का भी वही काम होता है. इंग्लिश का टीचर भी आपको शॉर्टकट्स बताता है कि देखो ये कहने को तो ये यूनिट पूरी की पूरी सिलेबस में है, पर ये कर लो तो तुम्हारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? सो ये इस तरीके से होगा. सबसे पहले तो आप बताओ, इज इट आइड्रेस देव और इद्रिस देव, सॉरी मुझे आपका नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है. सो द फैक्ट बीइंग कि हर क्लास के नीचे, हर वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप होमवर्क अपना राइट करेंगे, अगली क्लास में मैं उसको व्यू करती हूँ, ये तरीका रहेगा, ठीक है ना? हाँ जी. तो ये ध्यान रख के, ये माइंड सेट रख के हमें आगे बढ़ना है अपनी क्लास में.
और इसी के साथ जो है मैं आज की अपनी क्लास को शुरू करती हूँ. आज का हमारा टॉपिक है द रेस्टोरेशन एज. द रेस्टोरेशन एज बिगिंस इन द ईयर 1660 विद द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स द टू. चार्ल्स द सेकेंड की रेस्टोरेशन के साथ. ही वॉज द सन ऑफ किंग चार्ल्स द फर्स्ट, जिनको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया था इन द ईयर 1649. सो 1660 में चार्ल्स वन के बेटे चार्ल्स टू, ही विल असेंड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड, रिस्टोरिंग द मोनार्की इन इंग्लैंड, एंड हेंस दिस पीरियड इज नोन एज द रेस्टोरेशन एज. इट बिगिंस इन 1660 एंड गोज ऑन टिल 1700. 1700 के बाद फिर हमारा ऑगस्टिन एज शुरू हो जाता है. 1660 से 1700 का ये जो 40 इयर्स का पीरियड है हमारे पास, इसके बीच इस ड्यूरिंग किस तरीके के जो है कुछ कंडीशंस रहे, कुछ सिचुएशंस रही, हम बेसिकली जो है उनको डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. सो कुछ सोशियो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर्स को ज़रा कंसिडर कर लेते हैं जो इस हमारे एज के लिए रेलिवेंट है, इम्पॉर्टेंट हैं. और मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने बड़े ही प्यारे तरीके से मेरे कीवर्ड्स को कमेंट में लिखना शुरू कर दिया है. बहुत ही थैंक यू आप सबका. तो बाकी लोगों के लिए भी ये एक मैसेज है, जितने लोग मेरी क्लास में आज पहली बार आ रहे हैं, मेरी क्लास में ना हम क्या करते हैं कि जो कीवर्ड्स हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं, आपने उन सबको जो है उनके कीवर्ड्स लेके कॉमेंट सेक्शन में लिखना है. गुड आफ्टरनून. पर्पस है एक्टिव लर्निंग का, एक्टिव लर्निंग करनी है मेरे साथ, पैसिवली नहीं बैठना. मैं चाहती हूँ जो क्लास में करोगे आज वो लर्न करके क्लास से ही निकलना, उसको फिर दोबारा रिवाइज ही करना, ठीक है? ऐसे स्टडी करेंगे मेरे साथ, ओके? 1660 में चार्ल्स द सेकेंड का रेस्टोरेशन हो जाता है. चार्ल्स द सेकेंड वॉज अ प्रोटेस्टेंट किंग, ठीक है, प्रोटेस्टेंट रूलर थे. और इनके पीरियड में जो है बेसिकली 1657-58 में ओलिवर क्रॉम्बल की जो है नेचुरल कॉजेज से डेथ हो जाती है. उसके बाद ओलिवर क्रॉम्बल का जो बेटा है उसके पास जो है पूरे पार्लियामेंट की कमांड जाती है, लेकिन वो उसको उतना प्रोमिनेंटली नहीं संभाल पाता जितना उसके फादर ने संभाला था. अच्छा, नीचे से जो रॉयलिस्ट थे वो लोग ऑलरेडी कोशिश ही कर रहे थे कि हम इस जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट है इसको ओवरटर्न कर लें, ठीक है, तख्ता पलट कर लें फिर से. जो किंग की लॉयल फोर्सेस हैं वो सीक्रेट में मिलने लगी थी, तो एक अंडरकरंट वेव तो पहले से ही बन रही थी. ओलिवर क्रॉम्बल की डेथ से वो जो अंडरकरंट मूवमेंट है वो एक सुनामी बन के आती है. और 1660 में ओलिवर क्रॉम्बल की पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसको हटा के मोनार्की रिस्टोर हो जाएगी. अब याद रखें, मैंने पहले भी आपको बताया था 1649 से 1660 का जो पीरियड है वो इंग्लिश हिस्ट्री का फर्स्ट एंड लास्ट दी ओनली एक्सपेरिमेंट विद अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वरना उसके आगे और उसके पीछे तो गवर्नमेंट्स जो हैं उसमें हेड ऑफ द स्टेट मोनार्कीकल रूलर ही रहा है, अ किंग और अ क्वीन, ठीक है. तो किंग चार्ल्स द सेकेंड का मोनार्की होता है, का रेस्टोरेशन होता है इस पीरियड में. व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट ये चार्ल्स द सेकेंड जो थे इनके गद्दी पे वापस आने से क्या हुआ, देयर वाज अ वेव ऑफ रिजॉइस, ठीक है. एवरीबडी rejoiced the restoration of this king. He himself celebrated at great levels and great lengths his restoration. There were celebrations, there were parties, there were enjoyments, ठीक है, there were rejoicement. Hi Suraj, good afternoon. ठीक है, तो लोगों ने celebrate किया इनके coming back को. अच्छा, इनकी खुद की जो पर्सनालिटी थी काफ़ी कलरफुल थी. ही वॉज इन टू अ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग एंड डाइनिंग एंड वाइनिंग, यू नो, एंड अ लॉट ऑफ पार्टिंग. ही वॉज इंडल्ज इन मैनी मैनी यू नो इललेजिटिमेट रेंडेवू विद यू नो मैनी मैनी विमेन आउट देयर, ब्यूटिफुल विमेन. ही लव्ड टू बी सराउंडेड इन द कंपनी ऑफ ब्यूटिफुल विमेन. एंड ऑफकोर्स ही हिमसेल्फ इज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी. आपको इनको देख के इस वक्त लग भी रहा होगा कितने ज़्यादा आप देख रहे हो कि स्टाइल से बैठे हैं. लुक एट हिज क्लोथ्स, ठीक है, लुक एट द वे ही इज होल्डिंग हिज स्केप्टर, लुक एट द वे ही इज ड्रेस्ड, लुक एट हिज शूज ऑल बी जूल्ड, ठीक है. सो ही वॉज अ वेरी वेरी एक्स्ट्रावेगेंट एंड फ्लैम्बॉयंट रूलर. एंड जिस तरीके का स्टाइल और फ्लैम्बॉयंस इनकी पर्सनैलिटी में था
वो इनके कोर्ट में ट्रांसफर होता है और इनके कोर्ट से इनकी सोसाइटी में. तो इस पीरियड की जो सोसाइटी है वो भी काफ़ी फैशनेबल हो गई, फ्लैम्बॉयंट हो गई. ठीक है, लोगों का घूमना फिरना शुरू हुआ फिर से, बिल्कुल थिएटर्स रीओपन हुए. थिएटर मतलब जो जितने भी हमारे पास लग्जरीज थे या लेजरली एक्टिविटीज़ थी जो प्यूरिटैनिकल अटैक की वजह से पहले बंद हो गई थी, वो वापस जो है शुरू हो जाती हैं इनके पीरियड में. ठीक है, तो ये चलेगा. उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस पीरियड के ड्रामा पे भी देखा जाता है, क्योंकि इस पीरियड के जो ड्रामा है कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उसमें उस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के मैनरिज्म्स को जो है डिनोट किया जा रहा है. तो ये इम्पैक्ट भी जो है एक बेसिकली पड़ता है. तो जो रेस्टोरेशन एज है, जो रेस्टोरेशन या जो इनका हुआ है चार्ल्स द टू का, उससे सोसाइटी थोड़ी ओपन हो गई थी. काफ़ी ज़्यादा जो है लोग कॉफ़ी हाउसेस, चॉकलेट हाउसेस में बैठ के पोलिटिकल सोशल डिबेट्स करते थे. ठीक है, पॉलिटिकल डिबेट्स होते थे, लोग जो है सोशल ट्रेंड्स के बारे में डिस्कशन करते थे, लोग भारी भरकम सुंदर सुंदर कपड़े पहन के बाहर निकलते थे. तो वो सारा जो ट्रेंड है वो इस पीरियड में शुरू हो गया था. लेकिन ऑफ कोर्स इनके रेस्टोरेशन में आने से इनकी, क्योंकि ही हैड इललेजिटिमेट प्रोजेनी, बट ही हैड नो लेजिटिमेट हेयर टू हिज थ्रोन. The only natural, the only natural line of succession that could have gone was his brother James the First. So James the First was his natural successor according to the line of, succession. But unfortunately, he was a Catholic ruler. उस टाइम पे बहुत ऑलमोस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ रूल, यानी पूरे ऑलमोस्ट 100 सालों से कोई कैथोलिक रूलर जो है वो गद्दी पे नहीं आया था इंग्लैंड की, जिस वजह से लोगों के मन में एंग्जाइटी आने लग जाती है कि जो प्रोटेस्टेंट रूलर्स ने अपना एक बेस क्रिएट किया है इंग्लैंड में, वो सारा काम धरा का धरा रह जाएगा. ऑल्सो क्योंकि अब ये इंग्लैंड एक प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी नेशन बन जाता है, कैथलिक्स एक माइनॉरिटी में रह जाते हैं, तो ऑफकोर्स मेजॉरिटी माइनॉरिटी को अपने नीचे दबा के रखना चाहती है. वो नहीं चाहती कि एक माइनॉरिटी रूलर किंग बन जाए और उसके बाद माइनॉरिटी मेजॉरिटी को रूल करे. तो ये ऑफकोर्स नोबडी वॉज एंटिसिपेटिंग दिस. सो कोई नहीं चाहता था कि जेम्स द वन जो है कैथलिक रूलर है वो नेक्स्ट किंग बने इंग्लैंड के. लेकिन ये किसी के कंट्रोल में रही नहीं बात, ये चीज़ जो है स्पेसिफिकली बिकॉज जेम्स द सेकेंड होंगे. ये चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल तब चली जाती हैं जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज टेन्योर चार्ल्स द टू हिमसेल्फ विल सपोर्ट द कॉज ऑफ हिज ब्रदर जेम्स द टू. ही विल से दैट इट्स फाइन, टुवर्ड्स द एंड ही विल गिव अप एंड ही विल से इट्स फाइन. इफ ही वॉन्ट्स टू रूल, इफ ही वॉन्ट्स टू टेक द थ्रोन, देन लेट इट बी. वो ये कर सकते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, ये सारा डिबेट. तो अगेन एक और बात इसमें क्या रह रही थी, उस पीरियड के जो टोरीज और विक्स का डिबेट है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ था. इट्स ट्रू कि पार्लियामेंट डिसॉल्व, मतलब पार्लियामेंट जो है पावरलेस हो गई थी, पर पार्लियामेंट 100% डिसॉल्व नहीं हुई थी. रेस्टोरेशन के बाद भी देखो पार्लियामेंट तो अभी भी जिंदा थी. पार्लियामेंट स्ट्रांग नहीं थी पर जिंदा जरूर थी. हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, हाउस ऑफ द कॉमन एग्जिस्ट कर रहा था. किंग को कोई भी नया लॉ पास करने से पहले उसको पार्लियामेंट के थ्रू रिव्यू करवाना पड़ता था. तो ये सब तो चल ही रहा था उस टाइम पे. उसी के साथ साथ देखो टोरीज और विक्स भी सडनली मरते नहीं हैं, इनकी एग्जिस्टेंस भी ऐसा तो नहीं है कि सडनली जो है ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, सो टोरीज और विक्स के बीच का डिबेट जो है चलता रहा. नाउ टोरीज दे स्टिल वर स्टॉन सपोर्टर्स ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ द किंग. And as far as the Whigs were concerned, the Whigs were absolutely against the monarchy and the autocratic rule of line. So, इनके बीच में वो debate भी चलता रहा, साथ ही साथ Catholic versus Protestant debate भी चलता रहा. इन दोनों डिबेट्स को कंबाइन करके ऑफकोर्स जॉन ड्राइडन का ग्रेट वर्क एब्सिलम एंड अचिटोफेल, विच इज़ द पॉलिटिकल सटायर, हम आगे अभी देखेंगे उसको, वो इन्हीं डिबेट्स को जो है बेसिकली ट्रेस डाउन कर रहा है, इन्हीं को जो है एग्जामिन करता है. तो ये रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स उस टाइम पे चलते रहे. तो ये पॉलिटिकल और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स पहुंचते हैं अपने पीक पे इन 1685 when चार्ल्स द सेकंड विल डाई एंड जेम्स विल असेंड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. जेम्स द सेकेंड अपना इंग्लैंड का थ्रोन जो है उसको असेंड कर देंगे. तो लोगों के मन में जो उनके
कैथोलिक सेंसिबिलिटीज का डाउट था उसको ये सही प्रूफ कर देते हैं, क्योंकि ही एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टॉन्च कैथोलिक रूलर. अब ये क्या करेंगे, आके प्रोटेस्टेंट्स को दबा के रखने का और अपने कैथोलिक फॉलोअर्स और लॉयलिस्ट को सपोर्ट करने का काम शुरू करेंगे. विद इन 3 ईयर्स इनकी जो गवर्नमेंट है वो अनपॉपुलर गवर्नमेंट की फॉर्म की तरह आ जाएगी. विद इन 3 ईयर्स इन 1688 तक जो है एक ये इंग्लैंड अब तक एक प्रोटेस्टेंट मेजोरिटी नेशन बन ही चुका था, तो ये जो मेजोरिटी प्रोटेस्टेंट्स थे ये अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम द कॉज ऑफ जेम्स द टू एंड द ग्लोरियस या फिर द ब्लडलेस रिवॉल्ट, द ब्लडलेस रेवोल्यूशन और द ग्लोरियस रिवोल्ट, ठीक है, ऑफ 1688 विल टेक प्लेस. हाँ जी, द ग्लोरियस रिवोल्ट ऑफ 1688 विल टेक प्लेस. ठीक है, द ग्लोरियस रिवोल्ट ऑफ 1688 then was fought between him and the forces against him that were William and Mary of Orange. ठीक है, तो वो जो है टेक प्लेस करती है. तो ये सारे जो है कुछ सोशियो पोलिटिकल कुछ रीजन्स बनते हैं, कुछ बैकग्राउंड्स बनते हैं जो इस पीरियड को जो है डोमिनेट करते हैं. तो ऑफकोर्स इस चीज़ का डायरेक्ट हमारे लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका लिटरेचर पे देखिए क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सबसे पहले तो राइज ऑफ नियो क्लासिसिज्म. इस पीरियड के जो राइटर्स हैं, लाइक आई सेड चार्ल्स द टू वाज अ वेरी फ्लैम्बॉयंट रूलर. ही बेसिकली अडॉप्टेड अ फ्रेंच वे ऑफ लाइफ. ही अडॉप्टेड अ फ्रेंच वे ऑफ लाइफ. ठीक है, उनके कुछ फ्रेंच जो हैं वो जब एग्जाइल में थे जेम्स द सेकेंड सॉरी चार्ल्स द सेकेंड, तो फ्रांस भी वो रहे, उनके फ्रेंच कजन्स भी थे, तो ही अडॉप्टेड द फ्रेंच वे ऑफ लाइफ ऑफ एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ लग्जरी ऑफ फ्लैम्बॉयंस. तो वो सारा जो है इस पीरियड के लिटरेचर में उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ. अच्छा, उनका जो फ्लैम्बॉयंस और एक्स्ट्रावेगेंजा था जो उनकी पर्सनल लाइफ का एक उनके लाइफस्टाइल का एक पार्ट था, वो मैंने आपको पहले ही बताया, उनके कोर्ट में ट्रांसफर हुआ, उनके कोर्ट से उनके सोसाइटी में ट्रांसफर हुआ. तो उनकी सोसाइटी के जो लोग हैं वो थोड़ा सा इलीटिस्ट बिहेव करने लगे, मैनरिज्म्स पे फोकस आया, सोशल एटिक्वेट्स पे फोकस आया. ठीक है, नाउ पीपल दे वांटेड टू लुक रिच, अपीयर रिच, लुक फाइन, गो फॉर फाइन डाइनिंग, गो टू दीज फाइन बार्स एंड चॉकलेट हाउसेज, टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. तो इस तरीके का जो कल्चर है उस पीरियड में चल गया था. हाई सुमन, वेलकम, गुड आफ्टरनून. ठीक है, सो ये सारा जो है इस पीरियड में चीजें होती हैं. सो फ्रेंच वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर दिया गया था. तो इस पीरियड के लोगों ने सोचा, लिटरेरी फिगर्स ने सोचा, ऐसा क्या किया जाए कि हम अपने लिटरेचर को भी वापस इस तरीके से री इस्टेब्लिश करें कि हम अपनी पुरानी ग्लोरी को विन कर सकें. तो क्यों ना हम पुराने ही क्लासिकल राइटर्स को पिकअप कर लें, उनके ही वर्क से इंस्पिरेशन फाइंड कर लें, ताकि हमारे इस पीरियड का लिटरेचर भी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए ग्लोरियस बन सके. सो दे स्टार्टेड इमिटेटिंग द ग्रेट क्लासिकल मास्टर्स, एंशियंट मास्टर्स को, क्लासिक राइटर्स को, स्पेशली द लैटिन एंड ग्रीक राइटर्स, इनकी कॉपी इन लोगों ने जो है करनी शुरू की. पर्टिकुलरली राइटर्स लाइक जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, इन लोगों की पर्सनल एजुकेशन, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो खुद जो है इन क्लासिकल लिटरेचर्स में रह चुकी थी. ऑल थ्री ऑफ देम दे वर वेल वर्स्ड इन लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, फ्रेंच, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो वो उस तरीके का ही ट्रेंड लिटरेचर में भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे. अच्छा, फ्रेंच वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट हो रहा था तो फ्रेंच लिटरेचर क्यों नहीं होगा. तो ये लोग फ्रेंच मास्टर्स को भी जो है कॉपी करने लगे, फ्रेंच मास्टर्स से इंस्पिरेशंस जो है लोगों ने फाइंड करनी शुरू की. तो जो हमारे एंशियंट मास्टर्स फ्रेंच मास्टर्स थे, इन्होंने किस तरीके के लिटरेचर को उठाना शुरू किया, इन्होंने सबसे पहले सटायर्स उठाए. ठीक है, सटायर्स के वर्क को उठाना शुरू किया. डायरीज का कॉन्सेप्ट जो है और इस पीरियड में पॉपुलराइज हो गया, पैम्फलेट्स पॉपुलराइज हो गए. ठीक है,
हमारा मॉक हीरोइक इस पीरियड में डेवलप होता है, क्योंकि मॉक हीरोइक या मॉक एपिक एपिक पोएम से निकलता है, तो वो भी जो है इस पीरियड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है. फ्रेंच वे ऑफ लाइफ की बात करें तो हमारा कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी इस एज में निकलता है. तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स हमें इस पीरियड से हमें उसकी इंस्पिरेशन मिलती है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स हैं इस पीरियड के, जिनको हम आगे अभी एक्सप्लोर करेंगे. जॉन ड्राइडन, विलियम कॉन्ग्रीव, सैमुअल बटलर, ठीक है, कुछ फेमस इस पीरियड के लिटरेरी फिगर्स हैं. अब एक एक करके देखते हैं किस तरीके के लिटरेरी फिगर्स या किस तरीके के लिटरेरी ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स. ऐसा नहीं है कि इस पीरियड में रेस्टोरेशन पीरियड में ट्रेजेडीज नहीं थी, पर रेस्टोरेशन कॉमेडीज का ट्रेंड ज़्यादा था. क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री के लोग मान रहे थे, या स्पेशली जो लॉयलिस्ट थे किंग के, उनका कहना था कि भाई हमने 11 साल मर के जिया है, ना तो थिएटर था, ना ड्रामा था, ना कुछ लेजरली आज स्पेंड करने का तरीका था, ना एंटरटेनमेंट का सोर्स था, तो बोर होके रह गए हैं, तो फटाफट से जो है ड्रामा को शुरू किया जाए. और अगर लोग बोरियत के बाद एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना चाहते थे, तो ऑब्वियसली उनको ट्रेजेडी नहीं दिखाई जाएगी, ऑब्वियसली उनको कॉमेडी दिखाई जाएगी. मान लो आपका मूड खराब है, तो आप क्या, आप एक रोने धोने वाली मूवी देखने जाओगे या आप कॉमेडी देखने जाओगे? ऑब्वियसली कॉमेडी देखने जाओगे, ताकि आपका मूड जो है उसके बाद सुधर सके. तो इस पीरियड का जो कॉमेडी है वो ज्यादा डेवलप किया विज़ द ट्रेजेडी ऑफ दिस पीरियड. रेस्टोरेशन कॉमेडी जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, जैसे कि उसमें सोशल मैनरिज्म जो हैं डिस्क्राइब थे. इनका जो प्लॉट है वो सोशल स्कैंडल्स पे बेस्ड होता था. क्योंकि चार्ल्स द सेकेंड की खुद की पर्सनैलिटी थोड़ी सी लिबर्टीन थी, तो इस पीरियड का जो ड्रामा है वो भी हल्का सा लाइसेंशियस है. यानी अफेयर्स के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, अडल्ट्री थीम, सेक्सुअलिटी, यू नो, ये सारे थीम्स को बहुत ही ओपनली प्रेजेंट किया गया था इस पीरियड के ड्रामा में. अब नॉर्मली जब हम नेट की तैयारी करते हैं तो हम कौन कौन से राइटर्स को इसमें कवर करते हैं? तीन राइटर्स तो देखो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. द फर्स्ट वन इज़ विलियम कॉन्ग्रीव, द सेकेंड इज जॉर्ज एथरेज, एंड द थर्ड इज द मैन ऑफ द मोड, और सर फॉपलिंग फ्लटर, ठीक है. विलियम बाय शर्ली. सो विलियम कॉन्ग्रीव का सबसे फेमस, सबसे क्लासिक जो इनका प्ले है, जो इस पीरियड का रिप्रेजेंटेटिव ड्रामा माना जाता है, इज द वे ऑफ द वर्ल्ड. उसके अलावा इनका द डबल डीलर, द ओल्ड बैचलर भी इनके फेमस प्लेज हैं. जॉर्ज एथरेज का मैन ऑफ द मोड, ठीक है, शी वुड हैव इफ शी कुड हैव, ठीक है, ये कुछ काफी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं. विलियम बाय शर्ली का कंट्री वाइफ काफी ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट प्ले है. इसके अलावा जॉर्ज फरखोर हैं, उनका लव एंड अ बॉटल, द कॉन्स्टेंट कपल, सर हैरी वाइल्ड हेयर, द इनकॉन्स्टेंट, द वे टू विन हिम, द रिक्रूटिंग ऑफिसर, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. सो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स की लिस्ट मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दी. आप लोग चाहें तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब सवाल बनता है इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे इस वाले पार्ट में से. तो इनके जो मेजर वर्क्स है ना, आपको उनकी एक बेसिक समरी, ठीक है, बेसिक समरी का आइडिया होना चाहिए. फिर आपको इनके सारे कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए, सारे कैरेक्टर्स का, कि कौन से प्ले में कौन सा कैरेक्टर, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना ही चाहिए. वे ऑफ द वर्ल्ड में से तो अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो इसकी डिटेल समरी और थोड़े से इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वगैरह देख लोगे तो मेरे हिसाब से फायदे में रहोगे, ठीक है. द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड द कंट्री वाइफ, ऑल्सो मैन ऑफ द मोड, ठीक है, द प्लेन डीलर, द डबल डीलर, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेज हैं इस पीरियड के जो हमें कवर करने. तो बेसिक समरी और कैरेक्टर्स तो आपको पता ही होना चाहिए. इसके बाद आजकल क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, तो अगर आप सारे के सारे राइटर्स के सारे वर्क्स को इकट्ठा कर लो, ठीक है, अपने फ्री टाइम में जो है आप लोग अगर सारे ये प्लेज जो मैंने आपको मेंशन किए हैं यहाँ, इनकी एक लिस्ट बना लो कि कौन सा प्ले कौन से ईयर में पब्लिश था, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट बना के अपने पास साइड में रख लो. मैं आज आपको वादा करती हूँ, आपको अपने अगले अटेम्प्ट में किसी ना किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो ऐसा कुछ ना कुछ क्रोनोलॉजी का मिल ही सकता है, ठीक है. तो वो एक पेज बना के आज ही उसको रख लोगे ना, तो फाइनल एग्जाम की जब तैयारी करोगे तो बस उससे पहले रिवाइज ही करना है उसको, दो तीन बार
आपका काम वहां पे डन है, बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, ठीक है? तो जरूर ये प्रैक्टिस कर लेना. सेकंड जो है इस पीरियड का पोइट्री. पोइट्री जैसे मैंने बोला, जॉन ड्राइडन ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ दिस एज. ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द एज, ऑल्सो द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड. He was the representative poet of the Restoration era and also the first official poet laureate of England. John Dryden. John Dryden was a classicist. ठीक है, उनको classical literature का शौक था. Classical writers से inspire होके लिखते थे, उनकी imitation करने की कोशिश करते थे. Particularly दो चीजों के लिए हम इनको सबसे ज्यादा credit दे सकते हैं. एक तो for the genre of mock heroic या mock epic. मॉक हीरोइक या मॉक एपिक इन्होंने इन्वेंट किया था इन इंग्लिश लिटरेचर विद द पब्लिकेशन ऑफ मैकफ्लेक्नो. मैकफ्लेक्नो इज अ लिटररी एंड पर्सनल सटायर रिटन ऑन हिज लिटररी राइवल थॉमस शैडवेल. एंड ये जो वर्क है मॉक हीरोइक या मॉक एपिक स्टैंडर्ड्स पे लिखा हुआ है, उस जॉनरा का है. तो विद द वर्क मैकफ्लेक्नो, ठीक है, विद मैकफ्लेक्नो He invented, or rather began, commenced the genre of mock heroic or mock epic in English literature. उसके बाद हमारा जो next इसमें आता है वो है satires. Satires को भी English literature में popularize करने वाले. अब अच्छा, इससे पहले university wits जो हैं कुछ इक्का दुक्का छोटी मोटी satirical poems वगैरह लिख रहे थे, ठीक है? लेकिन इसको एक true blue genre की तरह establish करने वाले English literature में हमारे John Dryden ही थे, ठीक है? तो satires को popularize करने वाले both Horatian and Juvenalian, ये इन्होंने ये काम किया था, ठीक है? तो इनके कुछ फेमस वर्क्स और इनके कुछ कॉमन जॉनरा देख लेते हैं. आइए, एब्सिलोम एंड अचीटोफेल इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन. मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये जो विग्स और टोरीज के बीच का जो डिबेट था, साथ ही साथ जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच का डिबेट था, ये जो रिलीजियो पॉलिटिकल डिबेट, वो बहुत अच्छे से कैप्चर और एग्जामिन किया है इन्होंने एब्सिलोम एंड अचीटोफेल में यूजिंग बिब्लिकल एलिगरी. एलिगोरिकल वर्क है और किस चीज पे एलिगरी बेस्ड है? ऑन बिब्लिकल कैरेक्टर्स. इसमें से बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको भी आगे बताऊंगी. इसके अलावा इन्होंने मेडॉल करके एक सटायर लिखा था, ठीक है, ऑन शाफ्ट्सबरी. इसके अलावा इन्होंने मैकफ्लेक्नो लिखी है, विच इज अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल सटायर ऑन थॉमस शैडवेल एंड रिचर्ड फ्लेक्नो. Like I said, it is the first example of a mock heroic poem in English literature. Religio Lycee and the Hind and the Panther are also two doctrinal poems. Lyric poems bhi likhi hai inhone famous, like Saint Cecilia's Day and on Alexander's Feast. In dono mein se aaye din aapko net mein jo hain questions dikh jayenge, dono hi hamare NFTs hain. In fact, inke sare ke sare works hamare NFTs hain. John Dryden hamara NFT writer hai. जो मेरी क्लास में पहली बार आ रहा है उनको बता दूं, एनएफटी टर्म मैं यूज करती हूं फॉर एनी टॉपिक दैट इज अ नेट फेवरेट टॉपिक. सो दैट्स एनएफटी. इसका मतलब अगर हर साल आपको किसी टॉपिक में से क्वेश्चन दिख ही रहा है, या हर दो साल में भी दिख रहा है, दो साल छोड़ो, हर साल जिसमें से क्वेश्चन दिखता है. तो मेरे स्टूडेंट्स ने इस बार पेपर बल्कि क्वालिफाई किया है, नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, एक महीना पढ़ के सिर्फ एनएफटीज, जिसका इंग्लिश में बैकग्राउंड भी नहीं है, उन्होंने भी ये करके दिखाया. तो आप भी करके दिखा सकते हो, जस्ट सेइंग. तो आपको इस तरीके से इनको करना है. एब्सिलोम एंड अचीटोफेल से काफी ज्यादा कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस पे जो है काफी फोकस रहना चाहिए. इसके बाद जो एक अनदर इंपॉर्टेंट राइटर दैट वी हैव टू कवर फ्रॉम दिस एज इज सैमुअल बटलर, ठीक है? सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रस इज अ पॉइंटेड सटायर ऑन प्यूरिटन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. This is a satirical work on Puritans. It was influenced by the satires of Rabelais and Cervantes. It was influenced by the satires of Rabelais and Cervantes, and it has genuine flashes of comic insight. It is a great piece of satirical poetry and stands next to Absalom and Achitophel.
अगेन सैमुअल बटलर का और कुछ भी ना करो, आप सिर्फ ह्यूडिब्रस पे भी फोकस कर लो, उतना भी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये वाला भी आपने जो है ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर इस पीरियड के प्रोज की बात करें तो मैथ्यू आर्नल की स्टेटमेंट थी कि द रेस्टोरेशन मार्क्स द बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेटमेंट है ये बाय मैथ्यू आर्नल। उन्होंने कहा था रेस्टोरेशन एज का जो हमारा प्रोज लिखा गया है वो हमारे मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का फादर है, उसका हार्बिंजर है। क्यों? क्योंकि इट वॉज एन एज ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म एंड रैशनलिज्म। क्योंकि जो इस पीरियड के ग्रेट लिटरेरी फिगर्स थे वो क्लासिकल राइटर्स पे फोकस कर रहे थे, तो इमोशंस पे फोकस कम था, सेंटिमेंटैलिटी पे फोकस कम था, पैथोस पे फोकस कम था, फोकस था लॉजिक पे, रीजनिंग पे, इंटेलेक्चुअलिज्म पे, क्लासिसिज्म पे। तो जो इंटेलेक्चुअलिज्म, क्लासिसिज्म, रैशनलिज्म है इस पीरियड का वो इंपॉर्टेंट था प्रोज के लिए। मतलब आप पैथोस पोइट्री में यूज कर सकते हो पर पैथोस का प्रोज में कोई पॉइंट या कोई फंक्शन नहीं था। फिर चाहे वो इस पीरियड का नॉन फिक्शनल प्रोज ही क्यों ना हो, नॉन फिक्शन पर्टिकुलरली हमारे लिए काफी रेलेवेंट है इस पीरियड का, ठीक है। सो द स्प्रेड ऑफ द स्पिरिट ऑफ कॉमन सेंस एंड ऑफ क्रिटिकल टेम्पर ऑफ माइंड, द लव ऑफ डेफिनेटनेस एंड क्लैरिटी एंड ऑफ द हेट्रेड ऑफ पेडेंटिक एंड ऑब्स्क्योर have contributed to the development of the English prose. तो इस पीरियड में आपको कुछ भी गॉथिक नहीं दिखेगा, कुछ भी pathetic नहीं दिखेगा, कुछ भी sentimental नहीं दिखेगा, ऐसा कुछ आपको इस पीरियड में नहीं दिखता। सब कुछ बहुत ही डेफिनेट है, क्लियर है, lucid है, टू द पॉइंट है, डायरेक्ट है, प्रैक्टिकल है, प्रेगमेटिक है। तो वो इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है इसका। उसके अलावा इस पीरियड का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्क है, जॉन बनियन के ये वर्क्स देखिए, ग्रेस अबाउंडिंग, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। तो ग्रेस अबाउंडिंग द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पीरियड का, एनएफटी टॉपिक है, इसको प्रिपेयर किए बिना हम नेट में नहीं जा सकते, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ जो है मैं आज की क्लास को खत्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को जो है मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अटेंड करने में मजा आया होगा। फटाफट से बता दो कैसी लगी क्लास। एक्चुअली मैम माय फ्रेंड नॉट क्वालिफाइड फॉर नेट एग्जाम, ओके। हाँ जी, तो पहले तो मुझे बता दो क्लास कैसी लगी। 32 लोग हैं क्लास में, लाइक्स हैं सिर्फ 22, कम से कम 25 लाइक्स तो कर दो ना यार, थोड़ा सा मेरा भी दिल खुश कर दो, ठीक है। तो क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बैचेस के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत लोग पूछ रहे हैं, अगर आपको मेरे इंग्लिश के बैच में एडमिशन लेना है तो देखिए हमारे पास दो बैचेस का ऑप्शन है आपके पास। इसमें हम आपको दे रहे हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस जो पिछली क्लासेस हो चुकी हैं उसका रिकॉर्डेड वर्जन, और हमारे लाइव क्लासेस जो चल रही हैं उसका आपको उसमें एंट्री मिल जाएगी 6 PM डेली मंडे टू फ्राइडे। देखिए मैं लेती हूँ इसमें क्लास, अपने PDF से इसमें पढ़ाती हूँ, और इसको लेने का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। लेने का प्रोसेस रहेगा, आपको जाना है हमारी ADA247 की वेबसाइट पे, ठीक है ना। तो ADA247 की वेबसाइट पे आपने चले जाना है। वैसे तो मैं बोल रही हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है पर इसमें एप्लीकेशन नहीं खुलेगी, तो मैं वेबसाइट से दिखा देती हूँ, ठीक है। बहुत लोगों की आजकल क्वेरीज आ रही हैं बैच के रिगार्डिंग, तो ऑल कोर्सेज में ना UGC पे क्लिक करना, ठीक है। हमारे बैचेस आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे। तो हम आपको देखो कॉमर्स, मैनेजमेंट, होम साइंस में भी हमारा ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश और Paper 1 के बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मेरा जो इंग्लिश का ये बैच है, एक तो इंडिविजुअल बैच है, इसमें सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी होगी, 18,000 का है। पर इसके बजाय मेरे हिसाब से कॉम्बो बैच लेना चाहिए सबको, क्योंकि इसमें सिर्फ 1,000 रुपए ज्यादा देके Paper 1 और 2 दोनों की तैयारियां हो जाती हैं। इनकी डेमो क्लासेस वगैरह भी अटैच्ड हैं यहाँ पे, ठीक है। डेमो क्लासेस वगैरह भी अटैच्ड हैं, आप लोग हमारी जरूर इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी प्लान भी अटैच्ड है, ताकि आपको हर दिन हर घंटे का ब्योरा रहे आपके पास कि कौन से दिन जो है हम कौन सा टॉपिक कवर
करेंगे. मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश में, मैं पहले ही बता रही हूँ, बिकॉज इंग्लिश के डिफिकल्ट टॉपिक्स को समझाने के लिए तो देखो मदर टंग यूज करना पड़ता है, तो इंग्लिश या इंग्लिश को समझाने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करूंगी. आई विल गो बायलिंगुअल ऑल्दो सो दैट एवरीबडी इज कंफर्टेबल, सो दैट इज द टेक्निक दैट आई डू. एंड प्राइस देख के बिल्कुल डरना नहीं है, 22,000 आपको लग रहा होगा, यहाँ पे 22,000 का कोर्स नहीं पड़ेगा, कोर्स पड़ेगा सिर्फ 5,000 का. कैसे आइए बताती हूँ. तो आपने क्या करना है, मेरा कूपन कोड यहाँ ऐड करना है. कूपन कोड क्या है मेरा, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो भाई क्या है कूपन कोड. 5542 है मेरा कूपन कोड. इसको करेंगे एंटर, वेबसाइट पे 77 और एप्लीकेशन पे 78% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. ये देखिए 5542 को यहाँ ऐड करते ही आपका यहाँ डिस्काउंट लग गया, 22,000 का कोर्स पड़ा सिर्फ 5,000 का. एप्लीकेशन पे इससे भी सस्ता पड़ेगा, 4,800-4,900 रुपीज का पड़ेगा, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा. ठीक है ना, तो ये तरीका है जी मेरे बैच में एनरोल करने का. ठीक है, कोड मैंने आप लोगों को फिर से बता दिया है, 5542 इज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. तो प्लीज एमआरपी पे मत ले लेना, एमआरपी पे मत ले लेना, प्लीज कोड जरूर लगा लेना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए. और दरअसल बात ये ना, नया बैच अब होगा जनवरी में, फरवरी में पेपर आ गया तो क्या करोगे, अगर फरवरी में डेट आ गई, फरवरी एंड में आ गई, मार्च बिगनिंग में आ गई, तो क्या करोगे, एटलीस्ट तैयारी तो हो रखी हो ना. तो उसके लिए क्या है, पुरानी रिकॉर्डिंग्स और अभी की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लो, ये बेनिफिट रहेगा. अगर आपको लगता है आपने अगले साल दिसंबर में देना है तो अगले जान तक वेट कर सकते हो, लेकिन अगर अगले अटेम्प्ट के लिए सीरियस हो तो अभी ही ज्वाइन कर लो, वो ही आपके लिए बेहतर रहेगा. होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को, होमवर्क में आप लोगों ने एब्सिलॉन एंड अचीटोफेल के बारे में लिखना है. एब्सिलॉन एंड अचीटोफेल द पॉलिटिकल सटायर बाय जॉन ड्राइडन आपका होमवर्क है, ये आपने कल होमवर्क करके आना है. सॉरी कल तो क्लास नहीं होगी, मंडे हम लोग मिलेंगे, मंडे तक इसको करना है. अच्छा होमवर्क ना मैं पहले ही फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ, एक नोटबुक अलग से बना लो जहाँ होमवर्क को आप करते रहोगे, होमवर्क के बिना काम नहीं चलेगा. ठीक है, होमवर्क को अपनी नोटबुक में करते रहो, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा. ठीक है ना, पेपर तक आपके पास एक पूरी कॉपी बन जाएगी और उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आप देखोगे पेपर में आएंगे. ठीक है, फिर आप पेपर में बैठ के मुझे याद करोगे, तो याद रखना जरूरी है ना, वो करना जरूरी है, तो बस एक कर लेना फटाफट से. हाँ जी, थैंक यू माव्या, थैंक यू. हाँ जी सुमन, थैंक यू सो मच, बहुत स्वीट, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू BTS वर्ल्ड, थैंक यू. हाँ जी, थैंक यू माव्या, थैंक यू सो मच. हाई स्नेहल, आई एम मच बेटर टुडे, थैंक यू, आई कैन स्पीक. हाँ जी बिल्कुल. चलो जी सेशन को इसी के साथ एंड करती हूँ, अब एक अगला सेशन ले रही हूँ, 5 मिनट के लिए ज्वाइन कर लो, छोटा सा 5 मिनट का सेशन है. उसमें नेट की तैयारी कैसे करते हैं, पेपर 1 और 2 की क्या अप्रोचेस रखते हैं, वो सारा उसमें डिस्कस करूंगी. तो फटाफट से मेरे साथ उस सेशन में ज्वाइन कर लो, आई विल सी यू गाइस देयर. टेक केयर.